हेलो फ्रेंड्स, अविघ्ना फूड बुक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मैंगो फ्रूटी। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्ना फूड बुक पर शेयर करें। तो चलिए बनाने चलते हैं मैंगो फ्रूटी। ये केवल दो चीज़ों से आसानी से घर पर तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें 5 पके हुए आम और 1 कच्चा आम चाहिए। सबसे पहले हम अपने आमों को छील लेंगे। हमारे सारे आम छिल रहे हैं। सभी आम छिल चुके हैं। अब हम इनका पल्प निकाल लेंगे और इसकी आम की गुठलियों को हटा देंगे। सारे पल्प हमने निकाल लिया है सारे आमों का। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम अपने पल्प को डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। हमें इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है। देखिए, हमारा पेस्ट ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम जो आम बचे हुए थे उनका भी पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे सारे पल्प को। अब हम इसमें मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे। जार में जितना भी पल्प है उसको चर्न करके पानी की हेल्प से निकाल लेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई की गैस को ऑन करके कढ़ाई में हम सारा पल्प डाल देंगे। अब इसमें हम 3/4 कप शुगर ऐड करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस समय हमारा गैस का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए। हाई कर देंगे तो हमारा पल्प तली में चिपकने लगेगा और फ्रूटी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। लगातार चलाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, पल्प बॉयल होने लगा है। अब इस समय हम अपनी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। 12 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम ठंडा होने देंगे। देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है। हमारा पल्प अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब अपने इस पल्प को हम छान लेंगे जिससे इसमें रेशे आए तो वो निकाल सकें, क्योंकि रेशों से फ्रूटी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। सारा पल्प हमने अच्छी तरह से छान लिया है और इसका जो रेशा है उसको हटा दिया है। देखिए, इस तरह से इसका रेशा निकला था, इसको मैंने हटा दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 6 कप ठंडा पानी ऐड करेंगे। फ्रूटी है तो ठंडी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसमें ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। ग्लास लेंगे। अब इसमें हम अपनी फ्रूटी को पोर करेंगे।
हमारी फ्रूटी सर्व खाने के लिए रेडी है। यदि आपको मेरी ये फ्रूटी की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अभिन्न फूड बुक पर शेयर करें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज का नाम भी अभिन्न फूड बुक है। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें अभिन्न फूड बुक।